अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक ना किया होता तो तुम्हारे लाइफ के सीरीज ऑफ इवेंट्स कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं और तुम एक सेपरेट यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बट एज यू हैव ऑलरेडी क्लिकड ऑन दिस वीडियो, तो अब तुम्हारे लाइफ के सीरीज ऑफ इवेंट्स जो होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। तुम एक सेपरेट यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, प्लस इस वीडियो को क्लिक करने से तुम्हारे फ्यूचर डिसीजन भी बहुत हद तक इफेक्ट होंगे। साउंड्स फैसिनेटिंग राइट? एक औरत के एक लेटर को गलत पढ़ने की वजह से आज मेरे और आपके पास लाइट है और काफी ज्यादा और इन्वेंशन का भी हम यूज कर रहे हैं। ड्राइवर के एक रॉन्ग टर्न लेने की वजह से World War I स्टार्ट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द बटरफ्लाई इफेक्ट इन टुडेज टेरर शो एपिसोड। अगर मैं ये बताऊं कि World War II भी एक बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से कॉज हुआ तो यू वुड बी मोर देन सरप्राइज्ड एक्चुअली। फर्स्ट मैं तुम लोगों को कुछ स्टोरी सुनाती हूँ जो इस फिनोमिनन की कुछ परफेक्ट एग्जांपल, ताकि इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में तुम लोगों को ज्यादा ईज हो। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बहुत ज्यादा रोते हुए अपने घर आता है। उसके हाथ में एक लेटर होता है जो उसकी टीचर ने उसे दिया होता है और स्पेशली कहा होता है कि घर जाते ही इस लेटर को तुमने अपनी मदर को दे। रोते हुए वो बच्चा अपने घर आता है और अपनी मदर को वो लेटर पकड़ाता है और बैठ कर मजीद रोने लग जाता है। ऑब्वियसली अपने रोते हुए बेटे को देखकर माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उस बच्चे से वो लेटर पकड़ती है, उस लेटर को पढ़ना शुरू कर देती है। 5-6 मिनट के बाद वो खुद भी रोने लगती है और अपने बेटे को गले से लगाकर कहती है कि आज मैं तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। बेटा कहता है कि ऐसे लेटर में क्या लिखा हुआ था। माँ उस बच्चे को लेटर पढ़कर सुनाने लग पड़ती है। वो इस लेटर को पढ़ते हुए बताती है कि उस बच्चे का टीचर लेटर में ये लिखता है कि आपका बेटा, मींस वो रोता हुआ बच्चा, इस स्कूल के लिए अनफिट है। मींस कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये स्कूल उसके लिए अनफिट है, इसलिए उसे उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उस स्कूल में इस लेवल के टीचर्स हैं ही नहीं जो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट और सुपर स्मार्ट बच्चे को एजुकेशन दे सकें। इसलिए उस बच्चे को अपना स्कूल चेंज कर लेना चाहिए ताकि वो अपने मेंटल लेवल के बच्चों के साथ पढ़ सके और ज्यादा स्मार्ट बन सके। ये सब कुछ अपनी माँ के मुंह से सुनने के बाद ऑब्वियसली वो बच्चा रोना बंद कर देता है। माँ उस बच्चे को गले लगाती है और इसके बाद वो माँ अपने बच्चे को होम स्कूल करने लग पड़ती है। मींस के घर में ही उसे खुद से एजुकेशन देने लग पड़ती है। ऑब्वियसली इस लेटर को सुनने के बाद उस छोटे बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और वो अपनी पढ़ाई में फुल फोकस देता है और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसका न्यू नॉलेज और फैक्ट्स इकट्ठे करने में चला जाता है। नाउ वेट, यही बच्चा बड़े होकर लाइट बल्ब को इन्वेंट करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थॉमस एडिसन। बट हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकती बिकॉज वी ऑल नो के हैप्पी एंडिंग्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। थॉमस एडिसन की माँ के गुजर जाने के बाद एक दिन कैजुअली वो अपनी माँ का कमरा साफ कर रहा होता है एंड कमरा साफ करते हुए उसे ये लेटर मिलता है। जब वो ये लेटर पढ़ता है तो उसमें कुछ और ही लिखा होता है। जब थॉमस एडिसन उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है तो वो तो बिल्कुल ऑपोजिट स्टोरी होती है एज कम्पेयर टू जो उसकी मदर ने उसे सुनाई होती है। लेटर में उसके टीचर ने लिखा होता है कि आपका बेटा बहुत ज्यादा मेंटली इल है, सिक है, उसका IQ बहुत कम है, उसकी लर्निंग स्पीड एंड एवरीथिंग जो भी एजुकेशन की बेसिक पर्पजेज के लिए चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम इसे अपने स्कूल में बेयर नहीं कर सकते। हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी इसके ऊपर लगती है, इसलिए हम इसे को अपने स्कूल से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर फन फैक्ट वाली बात यह है कि जब थॉमस एडिसन इस लेटर को पढ़ रहा था तब तक वो इन्वेंटर ऑफ द सेंचुरी ऑलरेडी बन चुका था, क्योंकि ना सिर्फ उसने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया बल्कि और भी काफी ज्यादा ऐसी इन्वेंशन की जो आज हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मेरी ये लाइट जिसको मैं यूज कर रही हूँ ये वीडियो शूट करते हुए। नोटिस में लेने वाली बात यहाँ पर ये है कि उस लेटर को पढ़ते ही थॉमस की मदर ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जो कि जस्ट 5 या 10 मिनट्स के अंदर था, लेकिन इस 5-10 मिनट्स के डिसीजन ने बहुत ज्यादा कोर्स चेंज कर दिया जो कि आज मेरी और आपकी और बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ को बेसिक लेवल के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। थॉमस की मदर ने इस लेटर को एक बहुत ही इंकरेजिंग वे में पढ़कर अपने बच्चे को सुनाया जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ, उसने बहुत स्टडी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, न्यू इन्वेंशंस की तरफ गया, जिसकी वजह से हम आज बहुत ज्यादा न्यू चीजों से ब्लेस्ड हैं। वी ऑल नो कि नॉर्मल पेरेंट टीचर मीटिंग्स के अंदर बहुत दफा ऐसे होता है कि टीचर्स बताते हैं ये इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, आपका बच्चा ऐसा है, और टीचर्स भी कह देते हैं ठीक है कि हमारा बच्चा नालायक है, बट लिटिल डू दे नो इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, चाहे वो किसी भी ग्रेड के ऊपर चल रहे हो। इस तरह चलने से उनकी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं बिकॉज इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि हर स्टूडेंट एक तरह नहीं सोचता। हर इंसान के अंदर ऐसा टैलेंट होता है जो उसे दूसरे इंसान से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है, यूनिक बनाता है, लेकिन हमें सिर्फ टैलेंट ढूंढना होता है। थॉमस एडिसन की माँ के यहाँ पर 5-10 दिए हुए मिनट्स की अटेंशन ने आपकी और मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा हद तक इफेक्ट किया है। सेकंड स्टोरी, June 24th, 1940, हंगरी के किंग फ्रांस फर्डिनेंड एक गाड़ी में जा रहे थे और उनके ड्राइवर ने लेफ्ट को टर्न लेने के बजाय
राइट को टर्न कर लिया। जैसे वहां खड़े ऑलरेडी उनके एक हेटर जिसका नाम गैब्रिलो प्रिंसिप था, उसने उनको शूट किया, जिसकी वजह से उनकी नेक से होते हुए एक बुलेट निकली और उनकी वाइफ के एब्डोमेन में जाकर लग गई। अब यहाँ पर ड्राइवर की एक डायरेक्शन की मिस्टेक की वजह से वर्ल्ड वॉर वन कॉज हुआ। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में हम जाके देखें तो गैब्रिलो प्रिंसिप ने पहले भी इनको असैसिनेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। और जब यहाँ पर वो एक नॉर्मल कैफे के अंदर बैठा हुआ सैंडविच खा रहा था एंड ड्राइवर की उस मिस्टेक की वजह से उसे वहां पर वो ड्यूक नजर आया, तो उसने साथ ही गन निकाली और शूट कर दिया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उसने ये भी बताया कि इस दफा किलिंग उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, बस ये एक कोइंसिडेंस था। यहाँ पर ना सिर्फ वर्ल्ड वॉर वन कॉज हुआ बल्कि अराउंड 2 करोड़ लोगों की जान गई, प्लस जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को भी। अब वो क्या बेसिक रीजंस और इंसिडेंट्स थे जिन्होंने पुश किया वर्ल्ड वॉर वन को होने पर, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। वी ऑल नो अबाउट अडोल्फ हिटलर, राइट? मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। उसकी हॉबी एक आर्टिस्ट, एक पेंटर बनना था, जिसकी वजह से 2 ईयर इन अ रो उसने प्रॉपर प्रेपरेशन की ताकि वो एग्जाम क्लियर कर सके वियना के स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन के लिए। लेकिन गेस व्हाट, दोनों ही साल वो प्रॉपरली फेल हुआ। इस रिजेक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ और जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब अगर यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल स्टोरी का स्निपेट डालूँ तो आई वुड लिटरली से कि अगर 2014 के अंदर मैंने अपना ये यूज़र नेम बनाते हुए ये डिसीजन ना लिया होता कि मुझे इस यूज़र नेम के साथ एक यूट्यूब चैनल भी बनाना है, ना ही आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती, ना इसको अपने चैनल पर अपलोड करती, ना तुम में से कोई भी जो भी मुझे देख रहा है वो देख सकता है इस वीडियो को। एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी बहुत ज़्यादा आया जब मैं इस फिनोमेना के बारे में पढ़ रही थी कि साइंस बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में क्या कहती है। वेल, यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स का बहुत ज़्यादा रोल आता है, बिकॉज अगर मैं अपना एक हाथ उठाकर थोड़ा सा भी हिलाऊं तो ये एक प्रॉपर फील्ड जो मेरे हाथ के अराउंड बना हुआ है डिफरेंट एटम्स वगैरह का, उसको इफेक्ट करती है। एंड वी ऑल नो ऑरा एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, अब तो साइंस भी इसको काफ़ी हद तक मानती है। अब मेरी इस मूवमेंट की वजह से जो एक फील्ड के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है या मूवमेंट क्रिएट हुई है, ऑब्वियसली वो ओवरऑल इस यूनिवर्स की एनर्जी के अंदर भी किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट ज़रूर करें। ऑरा एनर्जीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमारी रेगुलर लाइफ को भी, जिसकी वजह से हमारे अराउंड लोगों के ऊपर भी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग के अंदर रहता है, इसके ऊपर मैंने अपने हॉरर एपिसोड्स के अंदर भी बात की हुई है कि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हो तो आपके अराउंड जो एक प्रोटेक्टिव फील्ड होता है वो टूट जाता है, बैरियर ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव स्पिरिट, डिमोनिक स्पिरिट्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं और आपको वो पोजेस कर सकते हैं। सेम इसी तरह जब आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव एक्शंस करना चाहते हो, पॉजिटिव खाते हो, यू नो पॉजिटिव बात करते हो, ये चीज़ भी आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ओवरऑल आपकी एग्जिस्टेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हो और लिटरली ये पूरी यूनिवर्स के अंदर आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे रही होती है। यू माइट थिंक कि इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन ट्रस्ट मी, आप इसको साइंटिफिकली भी देख सकते हो। आपके नेगेटिव थॉट्स आपके पॉजिटिव थॉट्स ना सिर्फ आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं बल्कि आपके अराउंड लोगों पर भी इफेक्ट करते हैं, आपके लाइफ के कोर्स ऑफ इवेंट्स के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं, प्लस ओवरऑल इस पूरी यूनिवर्स की एनर्जी में भी उनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। बट इस बटरफ्लाई इफेक्ट फिनोमेना के बारे में पता कैसे लगाया गया? अराउंड अ हाफ डेकेड अगो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंसेस के अंदर मीटिंग चल रही थी, जिसके अंदर एक साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा साइंटिस्ट से ये क्वेश्चन किया कि अगर ब्राजील के अंदर एक बटरफ्लाई अपने विंग्स को फ्लटर कर रही हो तो क्या वो दुनिया के नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स को इफेक्ट कर सकती है या नहीं। आई नो यू आर ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन इन रियलिटी इट इज़ पॉसिबल। उनकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दुनिया में कहीं भी एक छोटा सा मिसहैप दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़े डिजास्टर को प्रमोट कर सकता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल बटरफ्लाई अगर अपने विंग्स को फ्लटर एक सेपरेट डायरेक्शन या एक एंगल पर कर रही तो ये स्टॉर्म्स पूरे अर्थ के ऊपर कॉज कर सकती है। वेल, मे बी एक बटरफ्लाई की वजह से ये पॉसिबल ना हो, लेकिन ऑब्वियसली 100 या 200 बटरफ्लाइज की वजह से तो ये ज़रूर पॉसिबल होगा। एडवर्ड लॉरेंस अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे जहाँ पर वो वेदर को प्रिडिक्ट करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक नंबर को सिलेक्ट किया जो कि था 0.506, जिसकी वजह से वो फ्यूचर के वेदर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर पाएंगे।
अब इस 0.506 की वैल्यू को वो यूज़ करने लगे थे अपने फ्यूचर वेदर के प्रेडिक्शंस के अंदर, लेकिन आफ्टर कंडक्टिंग सम मोर एक्सपेरिमेंट्स ही रियलाइज्ड कि इस 3 वेरिएबल की नंबर को और भी इंक्रीज करके इसे 6 डिजिट का एक वैल्यू बनाया जा सकता है, जो कि है 0.506127। नाउ हम नॉर्मल मैथ्स के अंदर हमेशा यही पढ़ते हैं कि पॉइंट के बाद आपके 2 या 3 डिजिट्स मोर देन इनफ है, लेकिन अब देखो यहाँ पर 6 डिजिट्स का वेरिएबल आ चुका था एक, जिसकी वजह से उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने थे। नाउ लेट मी टेल यू, जब उन्होंने 3 डिजिट के इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जो भी उनके पास रीडिंग्स आ रही थी वेदर के फॉरकास्ट के लिए, तो लेट्स से कि अगर वो एक सनी और एक काम वेदर थी, 6 डिजिट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वेदर कम्प्लीटली चेंज हो गया, विच मीन्स कि वो स्टॉर्मी, डिस्ट्रक्टिव, हाई टाइड्स इस तरह की जो थी ना वो वेदर में चेंज हो चुका। अब जहाँ पर इस 3 डिजिट के वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन पर अगले 3 से 4 मंथ का वेदर फॉरकास्ट अगर बहुत ही काम था, तो अब 6 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। यहाँ पे ही रियलाइज्ड कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है बड़े कोर्स ऑफ इवेंट्स के अंदर। फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने पहले 3 डिजिट वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया एंड बाद में 6 वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। इसके अंदर उन्होंने 12 डिफरेंट काइंड्स ऑफ और मोड्स ऐड किए, के अंदर ह्यूमिडिटी, डायरेक्शन ऑफ द विंड और बेसिक टेम्परेचर था। अब 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वेदर फॉरकास्ट और आ रहा था, और टोटल 6 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वेदर फॉरकास्ट बिल्कुल डिफरेंट आ रहा था। माइंड इट कि ये 0.5 समथिंग है जो पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स आते हैं। ऑब्वियसली वो इसके बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, जिसके बाद उन्होंने 3 डिजिट्स को और 6 डिजिट्स के कंपैरिजन को एक शीट के ऊपर ड्रॉ करना शुरू किया। एंड गेस व्हाट, जब उन्होंने ड्राइंग शुरू की, कंप्लीट कर ली, तो उन्हें इस चीज़ का बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया कि ये इस तरह का एक फॉर्मेट दे रहा है जहाँ पर एक बटरफ्लाई आ रही है। बिकॉज वी नो कि जब हम लोग वैल्यूज़ वगैरह निकालते हैं, तो ग्राफ के अंदर लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की इमेजेस हमारे सामने आती है, लेकिन यहाँ पर जो इमेज निकल के आई वो एक बटरफ्लाई की जैसी थी। पहले बटरफ्लाई इफेक्ट को द केओस इफेक्ट भी कहा जाता था, लेकिन इस चीज़ के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इसको द बटरफ्लाई इफेक्ट कहने लग पड़े। और इसी स्टडी और एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर वो ब्राज़ील में एक बटरफ्लाई के विंग्स को फ्लटर करने वाली एग्जांपल। हमारी यूनिवर्स में और हमारे इस प्लेनेट के ऊपर भी बटरफ्लाई इफेक्ट की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको कुछ स्टोरीज में पहले सुनाई। आई होप दैट यू हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इफ सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप अ कॉमेंट डाउन बिलो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज लिटरली इट वुड मीन अ लॉट टू मी। ये एपिसोड था मेरा आज का, मेरे टेरर शो का। सो अगर कुछ भी और आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हो, या कोई भी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप उसको नीचे कमेंट में लिख दो, या यू कैन आल्सो हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम या फिर ऑन फेसबुक पेज। आई लिटरली टेक आइडियाज फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ से भी मुझे फील हो कि मैं यहाँ से आइडिया लेकर कोई वीडियो अपनी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो देयर आर ऑल्सो मेनी अदर एपिसोड्स ऑफ माई टेरर शो, जो यहाँ पर मैं कहीं प्लेलिस्ट लगा दूंगी। अदर देन दैट, मेरे यूजुअल ब्लॉग्स और हेल्थ ब्यूटी के ऊपर जो वीडियोज होते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर कहीं देख सकते हो। यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड अंटिल देन मेक श्योर टू बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, एंड ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर यू डिसाइड थिंक ट्वाइस। बाई।